हेलो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कोचेस, एनालिस्ट, कास्टर और साइकाइट्रिस्ट के बारे में जो ई स्पोर्ट्स में होते हैं। तो काफी ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस थे कि जो कोचेस होते हैं उनके काम क्या होते हैं, एनालिस्ट के काम क्या होते हैं, कास्टर्स के क्या काम होते हैं और जो ई स्पोर्ट्स के अंदर साइकाइट्रिस्ट होता है वो उसका काम क्या होता है बेसिकली। सो ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक है, मुझे पता है। सो आपको मैं एक एक करके चीजें समझाऊंगा कि अगर कोई बंदा इनमें से कोई चीज बनना भी चाहता हो उसको क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, उसको वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा कि आने वाले टाइम में अगर वो ई स्पोर्ट्स में इनमें से कोई भी एक परस्यू करता है करियर तो उनको क्या चीजें अपने पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोचेस के बारे में। देखो, कोच एक तरीके से एक टीचर की तरह ही मान सकते हो। कोचेस का बेसिकली काम होता है जो प्लेयर्स होता है उनके साथ में क्लोजली काम करना। ठीक है, उनको मोटिवेट करना। अगर वो लोग काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं, तो उनको मोटिवेट करना कि यार कोई नहीं, होता है, खेलो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इन सब के अंदर उनको मोटिवेटेड रखना, उनको गेम में एंगेज्ड रखना, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पता करना और उसको यूज करना, और जो उनकी वीकनेसेस है उसको उस पर बेसिकली काम करना और उनको और भी स्ट्रांग करना कि जिससे वीकनेस ना रहे, ये इनका स्ट्रेंथ बन जाए। और हमेशा उनकी कोशिश ये रहती है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस का जो भी इनका कॉम्बिनेशन है इसको यूज करके, इसमें वीकनेस को हटाकर और इसमें स्ट्रेंथ को और भी अच्छा कर इसके अंदर जितना हो सके अच्छे से अच्छा गेम प्ले प्लेयर्स का सामने लाने का स्ट्रेटजी डेवलप भी ज्यादातर कोचेस प्लेयर्स के साथ बैठकर करते हैं, क्योंकि कोचेस का ऑब्वियसली गेम का जो नजरिया होता है वो बहुत अलग होता है। उसका जो गेम का नजरिया होता है, एक प्लेयर के पर्सपेक्टिव से कोई भी बंदा नहीं समझ सकता। एक बंदा गेम जब खेल रहा है वो गेम में अपने स्किल्स को यूज करने में एंगेज्ड है, लेकिन कोच का काम क्या होता है कि वो स्किल कब और कैसे किस टाइम पर सही भी यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा उसको वो एनालाइज करना, वो पूरा का पूरा कोच का काम होता है। कोच को यही जजमेंट होती है जो आने वाले टाइम के अंदर कोच का जो काम होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है वो कोच का यही होता है कि अगर कोई बंदा अपने स्किल को इंप्रूव नहीं कर पा रहा, कोच को लगता है कि अगर उसका जो प्लेयर है उसका कोई भी स्किल अंडर ट्रेंड है तो वो उसको ट्रेन करवाता है और उसको अच्छे से अच्छा करवाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली जो उसका हिडन टैलेंट होता है या फिर जो हिडन स्किल है, सो बेसिकली इन द एंड कोच का जो काम होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी उसकी सैलरी भी काफी ज्यादा बड़ी होती है और उसका कोच का जो इंडिविजुअल काम होता है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट इसके अलावा ये तो हो गया जब हमने प्लेयर्स के साथ काम करना होता है कोच को, कोच का जो इंडिविजुअल रोल होता है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जो भी मैचेस होते हैं उनकी वीडियो को रिकॉर्ड करना, उसके बाद उस वीडियो को देखना, उसमें जो प्लेयर्स ने अपने स्किल्स एंड ऑल वो यूज करे हैं उस स्किल को देखना, समझना, वही स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वहीं से भी देखना कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहां पर किस चीज में क्या कमी रह रही है, क्या नहीं रह रही, जैसे अच्छे टीचर का काम होता है वैसे ही कि एक लड़के ने कॉपी में चेक करना, उसकी कॉपी में किसने होमवर्क कैसा करा है, क्लास में वर्क कैसा कर रहा है एंड ऑल, वैसे ही कोच का काम होता है हर एक छोटी छोटी चीजों को देखना, क्योंकि उसका काम ही यही है। और इसकी वजह से वो नोट्स बनाएगा, नोट्स बनाने के बाद में बाकी सारा का सारा प्रोसेस करेगा कि आने वाले टाइम में जो प्लेयर्स हैं उनको अच्छे से ग्राइंड करवाना और जितना हो सके उतना टूर्नामेंट जितवाना बेसिकली। सो अब हम लोग बात करते हैं एनालिस्ट के बारे में। एनालिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है, उसको अपनी जो गेमिंग है उस गेमिंग की मैकेनिक्स को समझना पड़ता है पूरा का पूरा। उसको गेम को समझना है, गेम की मैकेनिक्स को समझना है, उसमें जो इंटरेस्टिंग स्टैट्स है उसको निकालना है और उसके बाद उसको टीम को प्रोवाइड करना है बेसिकली, दैट्स इट। क्योंकि वो सारे का सारे जो इंफॉर्मेशन गैदर करना है उसके जो स्किल्स होते हैं वही उसको हेल्प करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एनालिस्ट है वो टीम के लिए काम करे, हो सकता है कि वो गेम डेवलपर के लिए भी काम कर सकता है, हो सकता है वो एक ब्रॉडकास्टर के लिए भी काम कर सकता है, हो सकता है वो एक टूर्नामेंट प्रोवाइडर के लिए भी काम कर सकता है, इट डिपेंड्स। सो ये तो बात हो गई कि इंडिविजुअल एनालिस्ट का काम क्या होता है, बट जब वो कोच के साथ काम करता है ऑलमोस्ट वही का वही रहता है, लेकिन पर्सपेक्टिव कोच से काफी ज्यादा अलग हो जाता है। अब जैसे स्ट्रैटेजी जनरेट करना, वीकनेस एंड ऑल स्ट्रेंथ भी इसके बारे में पता करना प्लेयर्स की, और जितना हो सके अच्छे से अच्छा इसके बारे में ढूंढना जिससे प्लेयर ज्यादा ज्यादा इंप्रूव कर सके। इसीलिए ज्यादातर लोग एक ही बंदे को हायर कर देते हैं जो कोच और एनालिस्ट दोनों का काम करता है, बिकॉज जो कोच और एनालिस्ट का काम होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब बेसिकली आप ये मान सकते हो कि जो गेम की कोर है वो एनालिस्ट को पता होती है जितना, क्योंकि वो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली गैदर कर सकता है क्योंकि वही काम है, उसी चीज में वो एक्सपर्ट है। जितना हो सके वो गेम को जल्दी से जल्दी समझेगा, मेटा जल्दी समझेगा, हो सकता है नया मेटा बना दे जो मेटा चल रहा है और उसको वो टीम को प्रोवाइड करे। तो ये मेन चीज होती है एक एनालिस्ट का। सो अब हम लोग बात करते हैं कास्टर्स के बारे में। सो जो कास्टर्स का काम होता है वो वैरी करता है
है बेसिकली गेमिंग कमेंट्री से लेकर जो गेमर्स हैं उनके इंटरव्यू तक। सो आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर जो कमेंट्रीज होती हैं, जो स्टार्टिंग करता है एक टूर्नामेंट की, लैंड टूर्नामेंट हो या ऑनलाइन टूर्नामेंट हो, स्टार्ट करता है, उसके बाद में कमेंट्री करता है, हो सकता है वो कमेंटेटर वैरी करे या फिर कमेंटेटर वही हो, और उसके बाद एंड तक वो पूरा का पूरा बेचारा कमेंट्री करता रहता है, और एंड में जो टीम जीती या कोई भी बंदा हारा उस प्लेयर से इंटरव्यू लेना एंड ऑल, ये पूरा का पूरा उस कास्टर पे डिपेंड करता है। सो काफी ज्यादा लोगों को ये लग रहा होगा काफी ज्यादा इजी काम है, बट ये वन ऑफ द हार्डेस्ट काम है, बिकॉज इसमें आपको कंटिन्यूसली बोलते रहना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात आपको इसमें गेम की भी थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप वैलोरेंट का एग्जांपल हो, डोटा का एग्जांपल हो एंड ऑल, छोटी मोटी चीजें उन लोगों को पता ही होनी चाहिए, एजेंट्स के नाम, जैसे वैलोरेंट के अंदर एजेंट्स के नाम, कौन सी साइट पे है, कहां पर उसमें फ्लैश करा है, कैसे क्या सब कुछ, मतलब थोड़ा बहुत तो उनको पूरा का पूरा कोर ना पता हो, बट एक ऊपर ऊपर नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज जब वो बोल रहे हैं तो बोलने के लिए उनको कुछ तो पता होना चाहिए, उनको गेम के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए, और ऊपर से गेम के साथ साथ उन्हें प्लेयर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, बिकॉज वो प्लेयर का इंटरव्यू करेंगे तो प्लेयर से पूछेंगे, अब ऐसे तो है नहीं वो पूछेंगे कैसा लग रहा है कैसा नहीं, अब वो ये चीज भी बोलेंगे जो आपने पिछली बार टूर्नामेंट करा था उस बार से कैसे परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाया एंड ऑल, तो उन्हें टूर्नामेंट्स के भी जो जितने भी टूर्नामेंट्स हुए एंड ऑल उसके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होती होती है। अब इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि हो सकता है उसने पहले वाले टूर्नामेंट को भी कास्टिंग करी हो, ये भी उनको एडवांटेज होता है, लेकिन अगर कोई बंदा नहीं भी करता तो लेकिन उसको ई स्पोर्ट्स का जो इस चीज के बारे में होता है, टूर्नामेंट्स एंड ऑल प्लेयर्स, इसके बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए जो एक नॉर्मल बंदे को नहीं होती, बिकॉज वो पूरा का पूरा इर्द गिर्द इन्हीं सब के घूमता रहता है, बिकॉज इन द एंड उसको इंटरव्यू कमेंट्री वही चीज करनी है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम लोग बात करते हैं ई स्पोर्ट्स साइकाइट्रिस्ट के बारे में। सो ये साइकाइट्रिस्ट वही है जो एक नॉर्मल साइकाइट्रिस्ट होते हैं, बट जो यहाँ पर काम होता है वो काम काफी ज्यादा कोर लेवल पे काम होता है, कि इनको गेमिंग से रिलेटेड कोई भी डिप्रेशन, कोई भी डिमोटिवेशन या कोई भी ऐसी चीज ना करे जो गेम में इफेक्ट डाले इनके, ठीक है। तो इनकी जो वीकली या मंथली काउंसलिंग होती है, हमेशा जो साइकाइट्रिस्ट होती है मेल फीमेल जो भी हो वो उनको काउंसलिंग करती है इस चीज के अंदर, वो इनको पूरा का पूरा एक मेंटल लेवल पे पूरा का पूरा एनालिसिस करती है कि इनका मेंटल स्टेट क्या है, गेम खेलने लायक भी है कि नहीं है। आपको ये अभी सुनकर काफी ज्यादा कॉमेडी लग रहा होगा कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड ऑल, बिकॉज इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर ना हो, लेकिन बाहर की कंट्रीज में काफी बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया में भी है पर धीरे धीरे करके लोगों को समझ आएगा, लेकिन बाहर के लोगों को ये बात समझ आ चुकी है। इसीलिए जो ई स्पोर्ट्स एथलीट होता है वो काफी ज्यादा एक बोलते नहीं है एक एसेट होता है इनके लिए, तो ये नहीं चाहते कि एक अच्छा प्लेयर है वो इनके हाथ से निकल जाए बिकॉज ऑफ एक डिप्रेशन या बिकॉज ऑफ कांस्टेंट लॉसेस के चक्कर में, एक कांस्टेंट लॉस हो गई तो बंदा बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया कि अब तो भाई मैं पूरा हार चुका हूं, लेकिन एक टाइम पे काफी ज्यादा खतरनाक प्लेयर हुआ करता था। साइकाइट्रिस्ट का काम ही यही होता है कि एक तरीके से उसको वापस ला सके, कि नहीं इसका वापस कॉन्फिडेंस वापस ला सके, वापस इसको खेलने के लिए मोटिवेट कर सके एंड ऑल। काफी ज्यादा इनके एक्सरसाइजेस, काफी ज्यादा इनके कोर्सेस एंड ऑल, ये सब कुछ होता है पूरा का पूरा, जिससे जो सारे प्लेयर्स हैं वो काफी ज्यादा जैसे क्लचेस का सिचुएशन होता है या फिर कभी भी मैचेस के अंदर स्टार्टिंग में काफी ज्यादा हार गए, सो वो लोग मेंटल लेवल पे काफी ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, वो इसी वजह से रहते हैं बेसिकली। बाकी अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इसके अंदर क्या सर्टिफिकेशन होती है, क्या एज होती है और आप कैसे एंटर कर सकते हो, इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, बट ये अगली वीडियो के लिए छोड़ देते हैं अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, आप चाहो तो मेरे को डीएम कर सकते हो, नीचे मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, मैं मीनिंगफुल क्वेश्चन के हमेशा आंसर देता हूं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन होगा वहां पर क्लिक कर। सो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बेल आइकन दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा। सो बस टिल देन, प्ले व्हाटएवर गेम यू वांट एंड स्टे सेफ, बाय।